गंतव्य पथ पर दिखी नारी शक्ति। देश सेवा में ना पिछड़ती ना थकती, अटल अडिग और प्रखर दिखती। हर चुनौतियों से रही निपटती, ये है हमारी नारी शक्ति। मौका है गणतंत्र दिवस का और कर्तव्य पथ पर अटल रही हमारी देश की ये वीरांगना। इस बार नारी शक्ति का अनोखा नजारा दिखा। नारी शक्ति को सलाम। सलामी लेती हमारी सेनाओं की कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नौसेना के दस्ते को लीड करती महिला लेफ्टिनेंट कमांडर, बीएसएफ की ऊंट सवार महिला टुकड़ी, पुलिस बैंड को लीड करती महिलाएं और बहुत कुछ। सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड दुनिया में अपने तरह का एकमात्र ऊंट सवार। सेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत शामिल। नौसेना के दस्ते को लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने लीड किया। आप देख सकते हैं कि चेहरे पर आत्मविश्वास की अटल झलक। इस टुकड़ी में 144 युवा नाविक शामिल हुए, 2016 में नेवी में शामिल हुए और आज कर्तव्य पथ पर है। Airfield led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. Lieutenant Chetana Sharma, Air Defense Missile Regiment की ओर से आकाश वेपन सिस्टम को लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने लीड किया। वो पिछले एक साल से ट्रेनिंग कर रही थी। चेतना आर्मी एयर डिफेंस यूनिट में पोस्टेड है। एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट का उद्देश्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आकाश को ड्रोन और दुश्मन के विमानों से बचाना है। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। सिंधु रेड्डी ने एयरफोर्स के जत्थे को लीड किया। सिंधु रेड्डी पायलट है। वो हमेशा से जहाज उड़ाना चाहती थी। इंजीनियरिंग करने के बाद वो सेना में शामिल हुई और अपने सपने को साकार किया। फॉलोड बाय वाइस कैप्टन लेफ्टिनेंट डिंपल सिंह भट्टी। लेफ्टिनेंट डिंपल भट्टी। डिंपल सिंह भाटी ने सिग्नल रेजिमेंट के जवानों की परेड को लीड किया। लेफ्टिनेंट डिंपल भाटी परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता। लेफ्टिनेंट डिंपल भाटी परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता शैतान सिंह भाटी की पोती है। लेफ्टिनेंट भाटी की बड़ी बहन लेफ्टिनेंट दिव्या भाटी भी भारतीय सेना में पोस्टेड है। OTA पासिंग आउट परेड 2021 में डिंपल ने रजत पदक जीता था। Not to attend any of them on our roads. Please remember that these daredevils have been specially trained to do these maneuvers. महिला ऊंट सवार टुकड़ी। पहली बार इतिहास में गणतंत्र दिवस की परेड में सीमा सुरक्षा बल BSF के ऊंट सवारों की टुकड़ी में महिलाएं नजर आईं। शक्ति और ताकत का संदेश। CRPF का ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट देखा। इसकी पूरी टुकड़ी में सिर्फ महिलाएं थी। इन्होंने कर्तव्य पथ से अपनी ताकत का संदेश दिया। सर्विस एंड लॉयल्टी मोटो ऑफ द CRPF। महिला शक्ति को सलाम। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी महिला शक्ति का उत्साह बढ़ाती दिखी। टीम न्यूज़ एशिया।